नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएफ का पैसा ऑनलाइन कैसे निकालना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पीएफ का पूरा पैसा आपको निकाल कर दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों पीएफ का पैसा जैसे आपका पेंशन का पैसा और खुद का पैसा, ये दोनों पैसा पीएफ का कैसे आपको निकालना है, कैसे आपको बैंक खाता में पूरा पैसा आएगा, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो 9 मिनट का वीडियो है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा जानकारी मिलेगा। पीएफ का पूरा पैसा आपको लाइव प्रूफ निकाल करके दिखाया हूँ। अगर आप प्रीजाइंट पास हमसे करवाना चाहते हैं या पीएफ का पैसा निकलवाना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, हम आपका पीएफ का पैसा निकाल देंगे। या ऑनलाइन रिजाइन पास करवाना चाहते हैं तो रिजाइन भी हम पास करते हैं, इसके लिए कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको देना पड़ेगा। तो आपको इसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10 का क्लेम करना है, कैसे पैसा आपको बैंक में आएगा, ये आपको बताएंगे। दोस्तों मैंने अपने जो मेरा कस्टमर है उसका ही मैं पैसा निकाला हूँ और ये वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, ताकि आप भी इस वीडियो को देखकर आप भी पैसा निकाल सकते हैं, आपको जो है कर्मचारी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है, सिंपली आपको लिखना है पीएफ होम, लिख के सर्च कर देना है, ठीक है। पीएफ होम लिख के सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको आएगा यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड देने के बाद लॉगिन यानी साइनिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर अपना यूजर आईडी, आपको यूएन नंबर है और पासवर्ड नहीं बनाया है, तो सबसे पहले आप पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस वीडियो को देखकर आप पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। यूएन नंबर, पासवर्ड और ये वाली कैप्चा सेम इस बॉक्स में देना है और सिंपली आपको साइनिंग कर लेना है। तो चलिए मैं ऑलरेडी साइनिंग किया हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोगों का पीएफ नंबर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे एक आदमी का पीएफ निकालना है, जैसे इसका मुझे निकालना है, ठीक है। और मैं अगर आपको भी हमसे निकलवाना है या रिजाइन पास करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप सर्च कीजिएगा सुबोध डिजिटल, तो मेरा फ़ोटो लगा रहेगा और वहाँ पे जो मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा देखकर साइनिंग करना है। तो चलिए यहाँ पर हम साइनअप कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे आप यूएन नंबर पासवर्ड देंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे लेटर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो पीएफ निकालने के लिए ये देखिए, मैंने आपको पोस्टर में भी लिखा था पेंशन का पैसा और अपना पैसा जो कंपनी का एम्प्लॉय शेयर जो होता है, ये दोनों आज मैं आपको निकाल कर बताऊँगा। इसके लिए आपको जो है रिजाइन पास होना चाहिए। अगर आपका रिजाइन पास नहीं होगा तो आपका जो है अपना ही पैसा निकलेगा, कंपनी का जो पेंशन होता है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन आएगा एक नंबर पे, जो कि देख सकते हैं फॉर्म 31 और 19-10-10D है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों हम पीएफ में खाता भी जोड़ते हैं, अगर आपको जुड़वाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे खाता नंबर देने के बाद वेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम खाता नंबर इंटर करते हैं। यहाँ पे अपना खाता नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछेगा, आप यस पे क्लिक कर देंगे, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका खाता वेरीफाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ओपन होगा, जो कि यहाँ पे आपका यूएन नंबर, आपका नेम और यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप कौन सा क्लेम करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी आएगा ऑप्शन, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे आप क्लेम वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओनली पीएफ विड्रॉल 19 और ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10 और स्कीम सर्टिफिकेट का एडवांस का भी ऑप्शन है।
तो अगर आप दोनों निकालना चाहते हैं तो फॉर्म 19 आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म 10 करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके करेंगे। अगर दोनों में सेम प्रोसेस है, जैसे आप 19 के लिए आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, सेम आप 10 के लिए भी करेंगे। तो मैं आपको 19 दिखाता हूँ। अब देखिए, मैं 19 पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी किस शहर में है, इस मैक्सिमम 64-4 वाले जो ऑफिस डायरेक्टर जो है इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको कंपनी कहाँ पे है उसका नेम, उसके बाद कौन सा एस्टेट है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, कंपनी कहाँ पे, जैसे कि पूरा एस्टेट आपको दिखेगा, जो भी है एड्रेस सारे यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी का डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे बताना होता है कि कंपनी किस डिस्ट्रिक्ट में है। अगर एड्रेस अगर आपका मिसमैच होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिटी का नाम क्या है आप यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद पिन कोड और अपना जो पासबुक है जिसका पीएफ निकालना चाहते हैं, अपना हो या खुद का हो, तो अपना पासबुक का फ़ोटो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ से आपको अपना फ़ोटो यहाँ से लेना है, जैसे मैं फ़ोटो रिसाइजर से फ़ोटो ऑलरेडी बना कर रखा हूँ, यहाँ से हम फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो को हम अपलोड कर दिए। फ़ोटो का साइज मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम जो है आपका 500 KB से नीचे और 100 KB 100 KB से ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से मैंने फ़ोटो को ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं अपनी पहचान स्थापित के लिए एग्री हूँ। उसके बाद पिन कोड ये सारे जानकारी भरने के बाद आपको सिंपली गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे अभी कंपनी का नाम नहीं भरा है और कंपनी किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी मैंने, कंपनी कहाँ पे है वो भी नहीं भरा है। ये जानकारी भरने के बाद मैं आपको आगे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम OTP आएगा। OTP देने के बाद आपको सबमिट करना है। चलिए हम OTP यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे OTP देने के बाद आप जो है सबमिट करेंगे, OTP हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेट फाइनल, विड्रॉल क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुल। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका आप PDF चाहिए तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप PDF ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अभी जो है फॉर्म 19 के लिए, यहाँ पे फॉर्म 19 का हम आवेदन किया था, आप देख सकते हैं। अब 10 करेंगे तो हम 10 पे क्लिक कर दिया, प्रोसेस सेम रहेगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम आ जाएगा, पासबुक भी आपको आ जाएगा, पहले का ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, और फिर से यहाँ पे मैं OTP वाला ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे टिक करना होगा, ये टिक नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे होम वाले वी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार प्रोफाइल को देख लेना है ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ये अगर बैक हो जाता है तो फिर से करना है, अगर नहीं होता है तो करना होगा फिर से। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से वही सेटिंग पे चलता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से अकाउंट नंबर टाइप किया और यहाँ पे प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करेंगे। और पहले बार मैंने लिया था 19 फॉर्म, अब लेंगे 10। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने मैं फॉर्म लिया 10, ठीक है, 10 मैंने ले लिया। और सेम वही एड्रेस आपको देना है, कंपनी का नाम, किस जगह पे कंपनी है, स्ट्रीट में आपको देना है। उसके बाद स्टेट सेम उसी तरीका से जो मैंने आपको फर्स्ट बार दिखाया था, यहाँ पे इस तरीके से कंपनी का एस्टेट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपनी का एस्टेट रायगढ़ या PA है, ठीक है। उसके बाद सिटी का नाम और एंड पिन कोड, अपना पासबुक का फ़ोटो, मैं आपको साफ साफ आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप खुद से कभी भी करते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।
फिर से आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। ओटीपी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, उसके बाद क्लेम टू वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है, ठीक है। अब देखिए सबमिट तो मैंने आपके सामने फॉर्म 19 और 10 दोनों किया है, मतलब खुद का कंपनी एम्प्लॉय और पीएफ दोनों के लिए मैं आवेदन कर दिया हूँ। अब ये पैसा कब तक आता है, तो इसका टाइम मैक्सिमम 7 से लेकर 14 दिन तक होता है। अब बीच में अगर आपको चेक करना है क्लेम सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे और जो भी स्टेटस है आपका दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा।